हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन कमर दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है। पूरा दिन आप बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब है या फिर खड़े रहने से आपकी कमर में दर्द स्टार्ट हो चुका है, तो उससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आज का वर्कआउट सिर्फ आपके लिए है। आज की जो स्ट्रेचेस है वो आपके बैक पेन के लिए है। जो हमारे लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, इन स्ट्रेचेस को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आप अपने बैक पेन से राहत पा सकते हो, अपने बैक पेन को भगा सकते हो, टाटा बाय बाय कर सकते हो। लेकिन इन आप जो स्ट्रेचेस हैं इनको बहुत ही केयरफुली करना है, ध्यान से करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। धीरे धीरे आपको स्ट्रेचेस करनी है, होल्ड करना है, जैसा इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए आपको उस तरीके से उसको फॉलो करना है। आप देखेंगे कि आपका जो बैक पेन है ना, उसमें अल्टीमेट बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा स्ट्रेस फ्री आपकी बैक हो जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्ट्रेच के लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको लेट जाना है, ये इस तरीके से आप लेट जाएंगे। फर्स्ट स्ट्रेच के लिए देखिए आप क्या करेंगे, अपने हाथों को धीरे धीरे घुटने पे लेके जाएंगे, पैरों को उठाएंगे और अपने पेट के ऊपर इस तरीके से लेकर आएंगे। ये यहाँ पे आप प्रेस करेंगे। जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे ना, तो आपकी जो लोअर बैक है वो नीचे की तरफ प्रेस होगी। क्योंकि क्या होता है, हम जब लेटते हैं, खड़े रहते हैं पूरा टाइम, तो हमारी जो लोअर बैक है वो इस तरीके से अंदर की तरफ होती है, कर्व होता है उसमें, तो उसे कभी रेस्ट नहीं मिलता। तो जो हम स्ट्रेचेस करेंगे उससे आप अपनी बैक बोन को, लोअर बैक को रेस्ट दे पाएंगे। तो इस तरीके से लोअर बैक को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 30 सेकेंड तक होल्ड करना है और इसको आपको कम से कम 4 बार जरूर दोहराना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे 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 आप पैरों को नीचे रखेंगे। अब चलते हैं सेकेंड स्ट्रेच की तरफ। उसमें आपको क्या करना है, अगेन आपको अपने लेग को लिफ्ट करना है, अपने अपोजिट हैंड से अपोजिट नी की साइड इस तरीके से हाथ रखना है और ये आपको साइड में स्ट्रेच, जितना हो सके उतना आप स्ट्रेच कीजिएगा। एंड एंड स्ट्रेच धीरे 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 अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे और नेक आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। आप फील करेंगे कि आपकी लोअर बैक में स्ट्रेच आएगा, तो इस स्ट्रेच को आपको फील करना है। हाथ आप साइड में रख सकते हैं, यहाँ पे आपको हाथ रखना है एंड होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे 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 आप वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको सेम दूसरी साइड से भी करना है। दोनों साइड से आप 10 से 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और इसके भी आपको 4 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है, हाथों को आप अपने सर के नीचे रखेंगे। इसमें हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, स्पाइनल ट्विस्टेड पोज। इसमें आप दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे और आपको एक साथ दोनों पैरों को एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है। पैरों में गैप नहीं आए, नी को नी से टच रखिएगा, एंकल को एंकल से टच रखिए एंड आपकी नेक अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको होल्ड करना है। अगर आपके पैर उठे हुए हैं इस तरीके से, तो आप दूसरे हाथ से इस तरीके से प्रेशर भी दे सकते हैं एंड यहाँ पे आपको स्ट्रेच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे 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 वापस। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि जिनकी कमर में दर्द है, जो फील कर सकते हैं पेन को, अगर वो एकदम से लेके जाएंगे तो उनका जो बैक पेन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको किसी भी पोस्चर में, किसी भी पोजीशन में आप जाते हैं तो आपको धीरे धीरे जाना है, मूवमेंट आपको धीरे धीरे करनी है। तो इसको आपको दोनों साइड से 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, 10 से 30 सेकेंड। जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाए, आप 1-1 मिनट होल्ड कीजिए, उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा और इसके आपको 4 सेट्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है आपको, पैरों में शोल्डर गैप रखिएगा, आपके हाथ साइड में एंड आपको अपनी लोअर बैक को लिफ्ट करना है। जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना आप लिफ्ट करेंगे। धीरे 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 धीरे
ऊपर, ये हमारा ब्रिज पोज है, इसे हम सेतु बंधासन भी बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम होल्ड करके रखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस, अगर आप इतना ऊपर नहीं जा पा रहे जितना आप चाह रहे, अगर इतना आते हैं तो इतना आइए, और वहीं पे होल्ड करके आपको धीरे धीरे वापस। तो इसको भी आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, और इसके आपको 4 सेट्स कंप्लीट करने हैं। अब बात हमारी नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रेच की, पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे, किसी भी एक पैर को उठाएंगे, मैंने लेफ्ट लेग को उठाया है, अपने थाई पर रखेंगे और अपोजिट हैंड से, जो पैर आपने उठाया उसके अपोजिट हैंड से नी पर इस तरीके से एंड साइड में हमको स्ट्रेच करना है। ये नेक अपोजिट डायरेक्शन में एंड स्ट्रेच, नीचे वाला पैर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। स्ट्रेच 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, दोनों साइड से 30 30 सेकेंड तक होल्ड कीजिए और 3 4 राउंड्स इसके कंप्लीट करिए। तो आज की जो स्ट्रेचेस थी वो यहीं तक थी। अब आपको अपनी बैक को थोड़ा सा आराम देना है। वापस से आप अपने पैरों को टाइटली हक करेंगे। क्लोज योर आइज, 10, फील योर ब्रीथ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस। और आपके बैक में पेन है, कमर में दर्द है, तो आपको कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं उठना, आपको साइड टर्न होना है, सपोर्ट लेना है और धीरे धीरे इस तरीके से बैठ जाना है। तो आज की जो स्ट्रेचेस थी वो यहीं तक थी। ये 5 स्ट्रेचेस मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन स्ट्रेचेस में से इनको करने में भी आपको मुश्किल हो रही है, तो मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो कमर दर्द के लिए बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेचेस बहुत ही इजी हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो अगर आज की स्ट्रेचेस आपको यूजफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।